गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे आप सभी का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, मेरे सारे नोट्स आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं और ये जानकर मैं भी काफ़ी खुश हूँ। इसी क्रम में बच्चों, आज मैं आपको इरावती कर्वे का भारतीय समाज का विश्लेषण, देखिए इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स में इरावती कर्वे का नाम काफ़ी लिया जाता है। इरावती कर्वे की बात करें तो आपने किताब लिखी थी द किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। आपने भारत में किनशिप ऑर्गेनाइजेशन मतलब नातेदारी संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इरावती कर्वे ने अपने नातेदारी संगठन में संपूर्ण भारत को चार नातेदारी क्षेत्रों में विभाजित किया। आपने बताया कि संपूर्ण भारत चार नातेदारी क्षेत्रों में विभाजित है। पहला उत्तर भारत का नातेदारी क्षेत्र, दूसरा मध्य भारत का नातेदारी क्षेत्र, तीसरा दक्षिण भारत का नातेदारी क्षेत्र और अंतिम है पूर्वी भारत का नातेदारी क्षेत्र। अपने भारतीय समाज के विश्लेषण में आपने पहला जो पॉइंट था उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था, उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आपने उत्तर भारत के नातेदारी व्यवस्था में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश इन सब एरिया को लिया। और आपने बताया कि उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था में पितृवंशीय पितृस्थानीय नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। और आपने बताया, देखिए आपने कुछ विवाह के नियमों के द्वारा उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था को परिभाषित किया या विस्तारित रूप से बताया। जैसे उन्होंने बताया कि अंतर विवाह और बहिर्विवाह, इंडोगैमी एंड एक्सोगैमी विवाह के इन नियमों के द्वारा, जैसे अगर हम बहिर्विवाह की बात करें तो उत्तर भारत में गोत्र बहिर्विवाह, पिंड बहिर्विवाह और ग्राम बहिर्विवाह, कहीं कहीं अगर हम हरियाणा या पंजाब के कुछ क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ गांव बहिर्विवाह भी पाया जाता है। बहिर्विवाह कहते हैं अपने समूह से बाहर विवाह करना, जैसे गोत्र अपने गोत्र से बाहर विवाह करना, पिंड से बाहर विवाह करना, और इसी प्रकार होता है ग्राम बहिर्विवाह, अपने ग्राम से बाहर विवाह करना। इसी प्रकार आपने मध्य भारत में नातेदारी व्यवस्था का विस्तारित रूप बताया। मध्य भारत में नातेदारी व्यवस्था में आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल इन सब क्षेत्रों को शामिल किया। जैसा कि हम सभी भली भांति परिचित हैं, मध्य प्रदेश एक जनजाति बहुल प्रदेश है। आपने बताया क्योंकि भाषा संस्कृत है मध्य भारत में, तो कहीं ना कहीं इसमें उत्तर भारत के नातेदारी क्षेत्रों के नियमों का भी पालन किया जाता है। यहाँ पर भाषा की जो रीतियां प्रचलित है, भाषा के जो नियम प्रचलित हैं उत्तर भारत में, उसी प्रकार मध्य भारत में भी पितृवंशीय पितृस्थानीय व्यवस्था पाई जाती है। विवाह में जैसे एक चीज मैं भूल गई थी कि उत्तर भारत में ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे, भाई बहनों का विवाह नहीं हो सकता, इसी प्रकार मध्य भारत में भी इसी प्रकार फुफेरे, चचेरे, ममेरे, भाई बहनों का विवाह नहीं होता। जैसा कि लेकिन महाराष्ट्र में कुछ एरिया 40% एरिया ऐसा है जहां द्रविड़ प्रजातियों का प्रभाव देखने को मिलता है,